ब्लॉग बना रहे हैं हम लोग, तो आज हम जाने एक ऐसा वाटरफॉल के इधर जो हिडन है, जो किसी को पता नहीं, तो देखते हैं आज का सफ़र कैसा हो जाएगा। और मेरा दोस्त है हाइकर भाई। चलो देखो, आप पेन साइड से नागोसना साइड से आ रहे हो तो आप पावल फाटे को उतरना है, ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे अंदर गाड़ी डालनी है। उसके बाद और एक फाटा लगेगा, मैं दिखाता हूँ आपको, उस फाटे के ऊपर गाड़ी रोक के दिखाता हूँ। दो साल बाद वीडियो बना रहा हूँ, देखते हैं आज का सफ़र कैसा होता है, बने रहे हमारे साथ। और भाई को गाड़ी दी है हाथ में, धीरे 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 धीरे। आज का टूर काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। हाईवे से फाटा था पाबल फाटा, अभी पाबल आगे है, और ये है अभी जहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे पाबल रोड जा रहा है, और ये यहाँ पे इधर जिरना जा रहा है, तो ये फाटा पकड़ना है, ठीक है, ध्यान में रखना, लोकेशन याद रखना, यहाँ से अंदर जाना है, यहाँ से 3 किलोमीटर और अंदर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से हमको 1.5 घंटा या 2 घंटा की ट्रेकिंग करनी है, तब मज़ा आएगा असली में। चलो चलते, जो हम लोग अभी जा रहे हैं वाटरफॉल का नाम हमको अभी तक पता नहीं, हम रखेंगे, किसी को पता नहीं, हम रखेंगे, तो हम उसका नाम रखेंगे, हम नाम रखेंगे। और हम पिछले साल गए थे और वापस इस साल जा रहे हैं, देखिए इतना शायद क्या बोले, एकदम सच में खूबसूरत वाटरफॉल है, इसका ट्रैक भी ज़बरदस्त है। पिछले टाइम हम गए तो पूरा नदी में से गए थे चल के, अभी हमको रास्ता पता है तो आधा नदी में से जाना पड़ेगा और आधा। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं, और यहाँ से 2 घंटा ट्रेक, ये जिरना बोल, अभी हम जिरना फाटे पे पहुंचे हैं, यहाँ से राइट मारना पड़ेगा, ये वन से ही फाटा है, यहाँ से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, अभी 2 किलोमीटर 2 घंटा वही, तो 2 घंटा 10 किलोमीटर तो हो ही गया है, 2 घंटा ट्रैक करना पड़ेगा बोल, 2 घंटा ट्रैक करना पड़ेगा, बहुत डेंजर है, पहाड़ी से जाना है अभी, ठीक है देखते हैं हम लोग। भाई ने जिस तरह के समझाया है उसी तरह से सब कुछ है, तो जैसे हम वहाँ से आए ना, वहाँ से अभी ये फटा जिरना में, यहाँ से हमको थोड़ा अंदर जाना, मतलब बाइक लगा रहे, फिर वहाँ से हमको 2 घंटा ट्रैकिंग है। चलो आते समय आराम से आना, ठीक है, शायद गाड़ी पीछे छोड़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन हमको पता है कहाँ पे गाड़ी रखना है, देखिए आपके हिसाब से। अरे हमारे 2 मेंबर पीछे आ गए हैं, फोन अब मजा आएगा, कुछ बोलना है बोलो भाई। चलो चलो, ए मोबाइल, अरे मोबाइल गिर गया था। गाड़ी से हमने पेट्रोल निकाला है, किस लिए निकाला है आपको बाद में पता चलेगा। जैसे आप आते हैं जिरना से, तो ये आप घर को याद रखिए, यहाँ पे आप
बाइक पार्किंग कर सकते हैं और यहाँ से आगे आप जा सकते हैं। चलिए बने रहे हमारे साथ। अभी हमारी ट्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है असल में। देखिए देखिए यहाँ पे खेती का काम चल रहा है अभी, तो खेत को जोत लगा रहे, लावनी बोल रहे हैं हमारे तो लावनी बोल रहे हैं। देखो वहाँ से कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, नीचे के रास्ते से आप आ सकते हैं यहाँ पे, इसको ध्यान में रखना ठीक है। ऊपर जाना नहीं है, नीचे वाली रोड से चलना है, ये वाली ट्रेल पकड़नी है। 10 बजे को हमने ट्रैक के लिए शुरुआत की थी, 20 मिनट हो गए हैं और थकान साफ साफ झलक रही है चेहरे पे। यहाँ से आने के बाद ये नाले को याद रखना, ये नाला नाले को ही पकड़ के आपको चलना है ठीक है, इसके साथ साथ ही चलना है आपको। तो ध्यान रखना रोड यहाँ से ऐसा है मेरे को आपको ठीक है। यहाँ से आने के बाद जो वाटरफॉल दिख रहा है वो ये वाला है, दिख रहा है आपको ये वाला वाटर, गजब गजब का वाटरफॉल है, यहाँ पे आपको उनको जाना है। चल तो अभी मैंने दिखाया जो यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं आप इस वाटरफॉल को, अच्छा अगर क्लाउड हो मतलब क्लाउड व्यूड नहीं है तो आपको साफ साफ दिख सकता है। तो ये स्पॉट ध्यान में रखिए ताकि आप भूल भी जाओ तो भी उसको आप देख देख के यहाँ पे चल सकते हो। चलिए आगे देखो, यहाँ से आने के बाद आपको ऐसे ही इस रोड से नदी छोटे सा रिवर क्रॉस करना पड़ेगा आपको, और वो दिख रहा है आपको वाटरफॉल यहाँ पे, वो छोटा सा दिख रहा है सामने आके और बढ़िया दिखेगा। तो देखा ना आपको कैसा क्रॉस करना पड़ा, ऐसा ही आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो हमको और एक घंटा और डेढ़ घंटा चलना है, देखो ऐसे बार बार वाटर क्रॉसिंग आपको मिलती रहेंगी, और मेरे ख्याल से जब पानी ज़्यादा हो तो यहाँ ना आए तो भी बेहतर है। अच्छा ये पानी ज़्यादा होगा तो उधर ही रुकना पड़ेगा दो दिन, वापस चले जाओ, रिस्क मत लो ठीक है। ये देखिए ये देखिए क्या बढ़िया वाटरफॉल है, इसका नाम हम रखेंगे अभी इसका नाम तो। अभी मैं हमारे सबके ग्रुप मेंबर को आपको बताता हूँ, आ जाओ। अनिकेत पाटिल ओके पाटिल ओय हम जो पाटिल कुबान नस्तेस नाम मटन का डब्बा रोहित है चाकल यस के शार्दुल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है। आप इस पॉइंट पे आते हो ना तो आपको ये सामने वाला दिख रहा है ना, ये सामने इसमें भी आगे आप ऊपर जाके सीधा जा सकते हैं वाटरफॉल। हमारा स्नैक्स हो गया, अभी हम निकले, अच्छी धूप धूप बढ़िया से पड़ गई अभी ठीक है, नहीं यहाँ से नहीं दिख रहा है तो अभी निकलने के लिए रेडी है, आधे घंटे का होल्ड लिया था तो चलो गरुड़ जो बोला एकदम ऐसे पानी से गुजरना पड़ रहा है, क्या बताऊं इंजन लगा है भाई। हमको अभी हम पहाड़ पे जाएंगे, उधर बाहुबली का सीन हुआ था उधर हम अभी जाने वाले हैं, तो सो गाइस आप इंतजार करना, जो आएगा वो देखा जाएगा बाद में ओके। और वहाँ राइट वाले नाला चूज करना है और उसके बाद यहाँ से जो ट्रेल आती है वो पकड़नी है ठीक है, ये वाली ट्रेल याद रखना। ये बात ये ऐसा ये ट्रेल को याद रखना।
अभी हम कुछ बोल नहीं रहे, बाद में बोलेंगे। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं अभी हम लोग किस हालत में आना पड़ रहा है। अभी देखो हमारे लड़के वहाँ पर है, वो कैसे आ रहे हैं देखो। अभी बहुत चप्पी से आना है गाइस, जहाँ पे आप आ रहे हो तो बहुत सावधानी बरती है। तो हमारी टीम पूरी तरह से सुरक्षित बाहर आ चुकी है। अभी अभी हमको लगभग और आधा घंटा, आधा एक घंटा ना, एक घंटा। क्या खूबसूरत नजारे भाई गाइस, देखो फ्रेंड्स कितने खूबसूरत नज़ारे है। शिरोगिरी करने की ज़रूरत नहीं, आराम आराम से, एकदम आराम आराम से रिलैक्स पे आइए। तो देख सकते हो पूरा नाले में से ही आना है आपको, ठीक है। तो यहाँ फिसलन बहुत ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा हो सके ग्रिप पकड़िए और धीरे 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 चलिए, ठीक है। कछुए की चाल हमेशा जिता देती है, और खरगोश की चाल चलने की कोशिश करोगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हो सके इतना धीरे धीरे आइए, कोई गाइड, कोई गाइड नहीं। देखो आपका आवाज़ आ रही है नहीं कि पता नहीं, लेकिन हम अभी मंदिर से कम से कम एक घंटा पौने घंटा दूर है, और देख सकते हैं मेरे, देखिए सेफ्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आराम से आइए, कोई ढाई करने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड लेते लेते आगे आगे धीरे धीरे बढ़े, ठीक है। चलो अब आगे, 10:30 बजे निकले थे, अभी 12:10 हो गए, और एक टीम वहाँ से चढ़ रही है, हर एक टीम ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो एकदम रिलैक्स में आई है, ठीक है। हाँ काफ़ी थक गए हैं, आ जाओ और देखो चढ़ने की जद्दोजहद। एकदम देख सकते गाइस, मंजिल बस एक घंटा नहीं, आधा घंटा दूरी पर है, और पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक हो चुका है, ऊपर पहाड़ है, और हम अभी वो है ना वहाँ से ऊपर चढ़ के वहाँ से ऊपर से जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, आ जाओ गाइस, आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, कुछ घाई नहीं करना है, ठीक है। तो देखो कितना डेंजर, जैसे जैसे मंदिर तक जा रहे हैं वैसे वैसे दिक्कत बढ़ रही है, हमें परेशानियों से जूझना पड़ रहा है हमें, पर हमारे मुकाम हम हासिल करके रहेंगे भले ही जो हो जाए। देख सकते हैं अभी हम कहाँ से चढ़े और कहाँ पे अभी चढ़ने वाले हैं, 12:30 और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। भाई हमारे वहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, चलो लेट्स गो। वो देखो कैसा बारिश हो रहा है, तबाह के मूसलधार बारिश हो रहा है, इधर कुछ भी नहीं है। देखो कैसा बारिश का नजारा है पहाड़ पे, और ये जंबो गिर गया, जंबो गिर गया, इसको भी मार के लेगा। और उधर कुछ कर रहा है, क्या भौंसक रहा है, जंगली मिले हैं अभी। देख लिया, आपका नाम क्या है? शिवा। और आपका? शाम। ओके, डांस दिखाओ अपना थोड़ा। देखो अभी बारिश आ गया है, हमारा फोटो शूट हो गया है, और यहाँ से अभी दिख नहीं रहा आपको वॉटरफॉल, लेकिन अभी यहाँ से कब हम पौन घंटा लगेगा, ठीक है। तो हम वहाँ से अभी जाएंगे, चलिए अभी चलिए। स्टार्टिंग में देखा था ना आपने, हमने पेट्रोल क्यों निकाला था, अभी देखो इतनी बारिश में हमने आग जला ली है, और किसकी आग, ये देखो ये चिकन है क्या, मस्कर ये ललवा फ्राई बना रही है, मुंह से आग निकलेगा पत्थर से, हमने आग जलाई है।
ये बेयर गर्ल का पिताजी है। थोड़ा सा ब्रेक लिया है तो अब यहाँ पे जो चिकन लाए थे वो बड़ा मस्त करके तंदूर बनाएंगे, उसका खाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। ठीक है, तो और बस 15 मिनट चलना है। देखिए बॉयज़ कैसे चल रहे हैं। हाँ 15 मिनट, जस्ट 15 मिनट, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट क्रॉस करना है। देख सकते गाइस, थ्रिलिंग, फुल थ्रिलिंग और मज़ा भी काफ़ी आ रहा है। चलो गाइस, एक टीम वहाँ से जा रही है, देखो वहाँ से जा रही है, जा रहे हैं। अरे जंबो देखिए क्या कर रहा है। ओके हाँ बस दो मिनट बहुत रिस्क है भाई लोग, बहुत रिस्क है। जब पानी कम होगा तभी आइए आप यहाँ पे, नहीं तो आ रहे हैं तो एकदम सावधान आइए, मतलब एकदम केयरफुल नहीं आ रही है। ठीक है, जंगल में से आना पड़ेगा। चलो और नजदीक जाते। चलो आगे। ओह माय गॉड,
देखिए भाई साहब, क्या वाटरफॉल है, घूमकर ये देखिए भाई साहब क्या वाटरफॉल है। और हमें भाई लोग देखे यहाँ पे अभी इधर बारिश नहीं है, 5-6 दिन से बारिश नहीं गिर रही, इसलिए हम आए इधर। अगर इधर बारिश हो गई तो इधर से सीधा पहाड़ के ऊपर चढ़ना ही बेहतर है, या फिर इधर बारिश के टाइम आना खतरे से खाली नहीं, जान से हाथ धो बैठोगे। बारिश के टाइम में यह नदी अपने उफान पे रहती है, खड़ा भी नहीं करते, और ये रास्ता इधर आने के लिए सिर्फ नदी के लिए। चलो भाई लोग धीरे धीरे हम लोग नजदीक बढ़ रहे हैं, मतलब आए पहुंच चुके हैं हम लोग अभी यहाँ। ओह माय गॉड, काफी घना जंगल। धीरे धीरे फाइनली हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल के यहाँ। और इस वाटरफॉल का नाम है, वाटरफॉल का नाम क्या है? वेतलपट्टी वाटरफॉल हम कहेंगे, कोई आ भी नहीं सकता यहाँ पे, तो इसको हम नाम दे रहे हैं अभी। इसका नाम है वेतलपट्टी वाटरफॉल। चलो नजदीक जाते हैं। आना दबा दो यार, सच्चा का बटन दबा दो यार, दबा दो ना, फिर हम थोड़ा दबा दो एकदम। ओके, तो हमारा अभी खत्म हो गया पूरा एक नंबर।